हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर एक बार मैं आप लोगों के बीच में आया। आज मैं बात करूंगा कि जब पुलिस वाले आपकी गाड़ी को सीज करते हैं, क्यों सीज करते हैं, कौन सा उल्लंघन किया है आपने। कुछ सेक्शनों पे मैं इस बारे में बात करूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी बंदा गाड़ी चलाता है, जो भी व्यक्ति गाड़ी चलाते हैं, उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पुलिस अधिकारी क्यों और कैसे आपकी गाड़ी को सीज कर सकता है। मार्जिन फ्रेंड्स, चलते हैं और स्टार्ट करता हूँ। ये सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट का 207। माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 207 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट पर मैं आज बात करूंगा। 207 में पुलिस अधिकारी आपकी गाड़ी को बंद कर सकता है। पुलिस ऑफिसर हैज ए पावर कैन ए सीज योर व्हीकल। ये एक्ट है द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का। विच ऑफिसर कैन सीज द योर व्हीकल, वो कौन से अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं जो आपके व्हीकल को सीज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज इन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर की रेंज के ऊपर का अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस का सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी आपकी गाड़ी को सीज कर सकते हैं। अदर पर्सन हैज बीन ऑथराइज्ड बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी कि परिवहन विभाग के ऑथराइज्ड पर्सन भी आपकी गाड़ी को सीज कर सकते हैं। धारा 207 में, सेक्शन 207 में। माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आरटीओ बोलते हैं, एआरटीओ बोलते हैं और डीटीओ बोलते हैं। ये अलग अलग नाम हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 207 मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 39, सेक्शन 66 सबसेक्शन 1, इन में से किसी भी सेक्शन का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस ऑफिसर कैन सीज योर व्हीकल, आपकी गाड़ी को सीज कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी आप अपने व्हीकल को रोड पर लेके जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर लेके जाते हैं, तो आपको सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 39, सेक्शन 66 और सेक्शन 1 का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने का पर्पज है आप लोगों को कानून की जानकारी हो, आप लोग मोटर व्हीकल एक्ट को अवेयर हो, मोटर व्हीकल एक्ट से अवेयर हो, जिससे कि पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी को सीज ना कर सके और आप सरकार के बने हुए नियमों को, मोटर व्हीकल के एक्ट को फॉलो करें। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 मोटर व्हीकल एक्ट, नेसेसरी ड्राइविंग लाइसेंस। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 3, यू शुड बी मोटर व्हीकल लाइसेंस। आपके पास ऑथराइज ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब तक पब्लिक प्लेस पर गाड़ी नहीं चला सकता, कैन नॉट ड्राइव, अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है,
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वी कैन नॉट ड्राइव द व्हीकल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 मोटर व्हीकल एक्ट. माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव ए नो मोटर व्हीकल लाइसेंस तो 200.07 पुलिस ऑफिसर कैन सीज यूअर व्हीकल. धारा 207 में पुलिस अधिकारी आपकी गाड़ी को सीज कर सकता है. माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा सेक्शन 4 टोल्ड अस द एज ऑफ द पर्सन. सेक्शन 4 व्यक्ति के एज की बात करता है, उसकी उम्र की बात करता है, जिसमें उम्र के बारे में बताया गया है. माय डियर फ्रेंड्स, लिमिट कनेक्शन विद ड्राइविंग ऑफ द मोटर व्हीकल्स. अगर किसी व्यक्ति की एज 16 साल तो कैन ए ड्राइव द व्हीकल अगर व्हीकल का सीसी 50 से कम होगा. ड्राइवर की एज अगर 16 साल है तो वह सीसी 50 से कम के या 50 तक के व्हीकल को चला सकता है जिसके सीसी 50 से कम हो या 50 तक हो. माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा सेक्शन 4 कमर्शियल व्हीकल, जिसके अंदर सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है. सेक्शन 4 इज टोल्ड अकॉर्डिंग टू लॉ कमर्शियल व्हीकल्स की बात करता है. अगर आपके पास कमर्शियल लाइसेंस है, यू हैव ए कमर्शियल लाइसेंस, तो यू कैन ड्राइव इजीली, चला सकते हो. अगर आप की एज 20 साल से ऊपर है या 20 साल या 20 साल से ऊपर है तो आप कमर्शियल लाइसेंस ले सकते हो और गाड़ी चला सकते हो. 207 में आपको पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी को, आपके व्हीकल को कैन नॉट सीज अगर आपकी एज 20 साल से ज़्यादा है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है. माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये. ज़्यादातर जो लोग ड्राइविंग करते हैं और जो हर समय ट्रैफिक पुलिस से मिलते रहते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है, उन्हें पता भी होना चाहिए. और ख़ासकर लॉ के स्टूडेंट के लिए तो इसे इम्पोर्टेंट है. माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा सेक्शन 39 मोटर व्हीकल एक्ट. मोटर व्हीकल एक्ट 39 टोल्ड अस यू शुड रजिस्टर्ड योर व्हीकल. एनी व्हीकल कैन नॉट ड्राइव विदाउट रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल. कहने का मतलब ये है कि अगर आपका व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, अथॉरिटी में, तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते. यू कैन नॉट ड्राइव योर व्हीकल. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 इज नेसेसरी रजिस्टर ऑफ योर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर. आपका व्हीकल रजिस्टर्ड होना चाहिए. आगे चलते हैं, अब मैं बात करूंगा सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 की. नेसेसरी फॉर परमिट्स. सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 इज टोल्ड अस शुड बी परमिट ऑफ योर व्हीकल. आपके पास व्हीकल का परमिट होना चाहिए. विदाउट परमिट यू कैन नॉट ड्राइव योर व्हीकल इन पब्लिक प्लेस. परमिट शर्तों का उल्लंघन नहीं कर सकते. अगर आप परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हैं, कंडीशन
ऑफ द परमिट तो पुलिस ऑफिसर मे बी सीज योर व्हीकल। इन कंट्रोवर्शन ऑफ एनी कंडीशन ऑफ सर्च परमिट रिलेटिंग टू द रूट ऑन विच द एरिया इन विच और द पर्पज फॉर द व्हीकल द पर्पज फॉर विच द व्हीकल मे बी यूज सीज एंड डिटेन। माई डियर फ्रेंड्स, आपकी गाड़ी का जो भी परमिट मिला है, जिस एरिया का परमिट है या जिस जगह तक चल सकती है, वहाँ का चलाने की आज्ञा मिली है, वहाँ की चलाने के परमिट मिला है, उससे दूसरी परमिट की जगह आप अपने व्हीकल को नहीं चला सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके गाड़ी को सीज किया जा सकता है, आपको पनिश किया जा सकता है, आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, यू विल वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ परमिट सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 नेसेसरी एंड रिक्वायरमेंट परमिट। जिस भी एरिया में आप चलाते हैं उसका आपके पास परमिट होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। जैसे कि मैं बता रहा था कि आपकी गाड़ी को सीज कर सकते हैं अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन मतलब परमिट नहीं है, आप दूसरी परमिट की जगह पर गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पे आपको अलाउ नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को चलाएं और आपकी गाड़ी को पकड़ लिया जाता है, तो आप अपने व्हीकल को अपनी गाड़ी को छुड़ाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखेंगे और रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ द व्हीकल, जो भी गाड़ी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को उस अधिकारी को दिखाएंगे और वह ऑफिसर आपकी गाड़ी को छोड़ देगा और हो सकता है पेनल्टी मे बी गिवन और आप पेनल्टी भी दी जाए। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं मोटर व्हीकल एक्ट 2007 को समाप्त करता हूँ। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ड्राइवर, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉ स्टूडेंट एंड आम पब्लिक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।